खबर तहकीकात की टीम आज देवीपुरा फर्स्ट के मोहल्ला विश्राम वाली गली में पहुंच चुकी है। यहां दो लड़कों को करंट मारा है। आप देख सकते हैं कि 33,000 की लाइन मकानों के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, उसके बावजूद भी प्रशासन है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था। जी बहन जी, क्या हुआ था बताएं। मतलब हाँ बताइए, कल यहाँ पर टंकी फिट हो रही थी। हाँ, तो मतलब ऊपर टैंक रखने गए थे सब, तो मैं दो लड़के जब टैंक रखा तो एकदम से बिजली ने पकड़ लिया। हाँ, और पहले भी एक लड़के को पकड़ा है, वो ऊपर इधर छत पे से वो भी खत्म हो चुका लड़का, और जो दो लड़कों को पकड़े तो वो उनकी भी गंभीर हालत है। आप भी बताएं थोड़ा भैया, आप क्या नाम है आपका? नदीम आलम। नदीम, जो पकड़े बिजली ने पकड़ा है जिन्हें, जी वो आपके भाई हैं? जी मेरा बड़ा भाई है। हाँ, बताइए कैसे पकड़ा, क्या हुआ? सर वो क्या कहा, मैं टंकी फिटिंग करने के लिए गए थे, जब टंकी ऊपर को रख दी थी, वो लड़का जब जैसे देखने के लिए गया, अब वो दूर से थोड़ी बहुत जैसे वो खड़ा हुए और उनको एकदम लाइट में खींच लिया। तार नीचे थे, थोड़े नीचे थे अभी, थोड़े पहले तार और नीचे थे, लेकिन खंभा लगा के पहले ऊपर को करवाया। एप्लीकेशन भी दी थी इनके, नहीं क्या मैंने उनको हटवा दो, विधायक साहब के भी पास भी गए थे, इसके एप्लीकेशन उनको भी दे रखी, मगर कोई इसका फायदा नहीं हुआ। नहीं तो इस पर तार पर आप इसके लिए पाइपों के लिए भी दिखाया था कि इसमें प्लास्टिक के पाइप भी डल जाए, लेकिन वो भी काम नहीं हो पाया। क्या कहते हैं प्रशासन के जो लोग हैं? सर वो ये है कि गरीब आदमी यहाँ पे कोई भी जैसे भी जाता कोई वाली बात नहीं, हो जाएगा लेकिन होता कुछ नहीं है। सर शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? कुछ शिकायत ये विधायक साहब के यहाँ पर गए थे, वहाँ पे उनके सबके गली वालों के मैं वो करने मिसाल साइन बाइन करवाने के बाद वहाँ पे दी थी, बोला ये इस तरीके से नहीं हटने की है, क्या मैं लाइन इसका बहुत बड़ा वो होएगा, ये तुम वहाँ जाओ, लेकिन कहीं भी गए फ़ायदा नहीं उठाया। आपका मकान बने हुए कितना समय हो गया? हमारे मकान बना हुआ करीब करीब सर 20-25 साल हो गई। हम आपको तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो आबादी है, सामने मस्जिद भी है, नाम है मस्जिद का जकरिया मस्जिद, यहाँ सैकड़ों मकान हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बार और फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये छतों के ऊपर से लाइन गुजर रही है, एक मौत भी हो चुकी है, दो बच्चे अभी घायल हैं, एक जिला अस्पताल में बुलंदशहर में है और जिसकी ज़्यादा हालत गंभीर है वो दिल्ली अस्पताल में है। यहाँ एक अंकल भी आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे अंकल, क्या हुआ था ये बताइए, दो बच्चों को जैसे पकड़ा है? बच्चों को बिजली ने पकड़ा, इससे हम बहुत परेशान हैं। 11,000 की लाइन से ये एक हादसा नहीं हुआ है, एक पहले हादसा हो चुका है, जो बच्चा गुलगुल्लू का मरा, एक बच्चा कल खत्म हो गया, दो अभी घायल हैं, बहुत बुरी हालत है, हम कुछ नहीं कह पाते। प्रशासन से आपने शिकायत की कहीं पे? नहीं अभी तो नहीं करी है, क्या कई दफे का हाय वैसे तो एप्लीकेशन भी दी है, बता रहे हैं वो विधायक वगैरह के एप्लीकेशन भी गई थी। कोई चलिए और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक अंकल और यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ मैं जी, आप बताइए। छत पे जैसे लड़का चढ़ा है ना, तो वो बस ऊपर कोई चढ़ा है, वो एकदम से जैसा चढ़ा बस उस पर कोई पकड़ लिया, उन्होंने ऊपर कोई खींच। कितने समय पुरानी बात? ऐसे हो गए 5-6 साल। उस समय कुछ प्रशासन से शिकायत वगैरह कहीं? सबसे कही, सबसे अलीम से भी, सबसे कही, बिजली घर पे भी गई, सबसे किसी ने कुछ ना करा, किसी ने कुछ ना करा। अभी तार जो है ऊपर लाइन से गुजर रहे हैं, जैसे आप मकानों के ऊपर से लाइन गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता होगा अगर ऊपर आप जाते होंगे। बिल्कुल, जब लाइट बारिश मतलब बारिश का मौसम होता है या हवा चलती है, तो बिल्कुल अपने अंदर बच्चों को लेकर अपने अंदर बैठ जाते हैं हम, कि कभी तार नीचे ना टूट जाए, मैं कोई ऊपर मत चढ़ी हो, इस तरह से रहें। जो मकानों की छत है उसके बिल्कुल ऊपर से जा रही है, अगर छत के ऊपर ये लोग चढ़ते हैं, गर्मी का जैसे मौसम होता है, लाइट भाग जाती है तो ऊपर चढ़ के जैसे हवा के लिए लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है जिसको लेकर ऊपर भी नहीं चढ़ पाते हैं। वहीं अगर बारिश के मौसम की बात की जाए तो बारिश के मौसम में मकानों में बिजली उतरने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर ये काफ़ी दहशत में लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर एक बार दिखाना चाहें थोड़ा, एक बार दिखा देंगे छत पे चल के? चलिए थोड़ा छत पे चल के दिखा। हाँ जी, कह रहा हूँ जी, अब ये सब लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, आज तक सब गलियों में आएंगे, हम 2000 वोट फालतू देंगे उनके लिए, साथ पूरे एक होकर जो इन 11 लाइन को खत्म करा दे, और अगर नहीं करवाया तो मजबूरी हमारी, गरीब तबका है, कोई सुन थोड़ी रहा, हमारी सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता, अगर गरीब तबका ना होता तो ये एक दिन में हटती। अब तो नेता आएंगे हाथ जोड़ जोड़ के, गरीबी इसी टाइम आएंगे, फिर उसके बाद खबर नहीं लेंगे। पहले भी आते होंगे ऐसे ही? पहले भी आते थे ऐसे ही, 5-6 साल पहले वो लड़का खत्म हुआ था, उसके इलेक्शन से पहले ही खत्म हुआ होगा, ठीक है, फिर इलेक्शन भी हुआ होगा उसके, उसमें भी किसी ने नहीं सुनवाई की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं की गई आज तक, ना कोई सुनता है। चलिए ठीक है, आइए एक बार दिखाते हैं वहाँ पे, इसी मोहल्ले के अंदर जकरिया मस्जिद है, वो मस्जिद को हम आपको दिखाएंगे कि ये मस्जिद है, और इसकी बिल्कुल जस्ट ऊपर से तार
जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से बिल्कुल टच हो के तार ऊपर से निकल रहे हैं, मामूली सी ही ऊंचाई है वहाँ से। इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? जी मेरा सलीमुद्दीन नाम है। तो जैसे मस्जिद के ऊपर से ये तार जा रहे हैं, कोई शिकायत वगैरह कहीं की आपने नहीं की? शिकायत ये है, जब कभी इसमें कहीं कोई ऐसा हादसा होता है कि लड़के को पकड़ा था आपसे 5-7 साल पहले, तो यहाँ वजू कर रहे थे बैठे हुए, यहाँ बैठे थे लोग बाहर, उन तक को करंट मारा था, उन्हें भी फेंक दिया था यहाँ पे। इससे लाइन से हम इतने परेशान हैं कि कैसे उठ जावे, हर कहीं पे हमने अर्जी परजी सब दे दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ की। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को हटाने की कोशिश करें। मस्जिद है, अगर जमात के साथ ही ऊपर जाते हैं तो हमें खतरा रहता है, तो हम उन्हें ऊपर नहीं जान देते हैं। आप भी बताएं बाबू जी थोड़ा सा। मान जाएगा साहब, अब से पहले ये तार भी टूट चुका है, ये 12,000 का हम खम्भा लाए, जो उन लोगों ने सुनाई ना करी, तो हम ये खम्भा लाए 12,000 रुपये का, ये हमने मस्जिद में लगवाया। बस्ती वालों से हमने खूब कहा कि भैया ये तार घोड़ा, तो उन्होंने कहा ये लाने हटेगी बिल्कुल। कोई नेता वेता आ रहे नहीं आ रहे गली में? चुनाव चल रहा है हाल में, तो अब कोई नेता नहीं आ रही, नाम आने शुरू होंगे जब हम नेताओं से गुजारिश करेंगे, आप लोगों से भी कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद के ऊपर तार हटवा। आप भी बताइए भाई साहब। हाँ बताइए आप। हाँ, जैसे चुनाव चल रहा है, बहुत सारे नेता आएंगे चुनाव के टाइम पे, आएंगे फिर ना कोई भी कहेंगे उनसे भाई तार बदलवाई किस तरीके से, देंगे हाँ करवाएंगे उसके बाद कोई नहीं यार, फिर क्या नाम है वोट मांग के चले जाते हैं, और यहाँ क्या नाम है फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, सब कहते हैं हम उतरवा देंगे हम उतरवाएंगे, हमें जिताइए। पहले भी कहा था नेताओं ने ऐसा? हाँ बहुत कहा है जी, वोट लेने के वोट दे दो वोट दे दो, जब तक हाथ भी जोड़ेंगे, और जब कोई काम पड़ेगा तो जब कहते हैं कहाँ करवा देंगे। अब कितने हर से हो गए, एक भी दफा यूं ना देखा, अन करिए उनका क्या हो रहा क्या ना हो रहा, मर रही क्या जी रही, रोते पीटते रहे। कल भी कितना हंगामा हुआ, दो जनों को बत्ती ने पकड़ लिया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखे नहीं भाले नहीं। पहले भी किसी लड़के को पकड़ा था जी? दो बार पकड़ लिए, दोनों बार ऐसा ही होगा, कोई आन के नहीं देखते भी ना, जब तक एक लड़का खत्म हो गया इस वाली लाइन से, कोई आन के नहीं देखता बत्ती वाले। अभी वैसे कोई बात हो जाएगी तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे, वोट मांगने वाले भी नेता अभी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोई टाइम पर कोई ना आया, गरीबों का साथ कोई ना देता, वैसे आ जाएंगे। जैसे दो बच्चों को लाइट ने पकड़ लिया है यहाँ पर चुनावी मैदान में, बस नाजिम मेंबर साहब आए थे और कोई नहीं आया, बस नाजिम मेंबर साहब आए, कोई प्रत्याशी नहीं आया, नहीं और कोई नहीं आया जी, बस वो ही आए थे और कोई नहीं आया। उसी मोहल्ले के अंदर हम लोग आ चुके हैं जिस मोहल्ले का युवक घायल हुआ है, उसके घर पर हम मौजूद हैं, उसके परिवार से बातचीत करेंगे। हाँ भैया कैसे हैं, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? मेरा भाई था, वो काम पर गया था, अचानक वो ऊपर गया, वहाँ पर 33,000 की लाइन आ रही है, उसने उसका अर्थ मार दिया था, जिसमें कि वो गंभीर है, दिल्ली में एडमिट है। दिल्ली में एडमिट है इस टाइम? दिल्ली में। कहीं आप लोगों ने शिकायत वगैरह की? शिकायत कुछ नहीं कर ली, यहाँ सरकारी अस्पताल बुलंदशहर में मैं लेकर गया था, यहाँ मुझे कोई सुविधा नहीं मिल पाई, एक घंटे तक मैंने उसका एम्बुलेंस का वेट किया था, तो वहाँ मेरी एम्बुलेंस नहीं आ पाई, फिर एक घंटे के बाद में मैंने दूसरी एम्बुलेंस बुलाई है, जब उससे मैं दिल्ली लेकर गया हूँ, जिसकी वो वक्त की मेरे भाई की अभी सीरियस ही हालत है। आप बताएं आपके कौन लगते हैं? मेरे देवर जी का क्या नाम है, बहुत गंभीर हाल ही था, क्या नाम है, बिजली ने पकड़ लिया था, काम करने गए वो। अभी कहाँ पे हैं वो? इस टाइम अस्पताल है, हॉस्पिटल दिल्ली जी, दिल्ली है वो। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह कोई? कुछ नहीं करा। छत पर तो हम लोग आ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं खौफ बना हुआ है, हम भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि छत से 1 या 2 फुट की दूरी होगी जिसके ऊपर से ये लाइन गुजर रही है, डर बना रहता है। यहाँ के जो घर के लोग हैं, बेटा क्या नाम है? जी मेरा नाम हुमेरा है, ये मेरा घर है, मतलब हमारे ऊपर से ये लाइन जा रही है, हमें बहुत खतरा रहता है, जब हम कपड़े सुखाने के लिए आते हैं तो बहुत डर डर के आते हैं और फिर झुक झुक के चलते हैं इस वजह से। कौन आपके घर में कौन पकड़े हैं? मेरे चाचा को पकड़ लिया है इस बिजली ने, इसलिए हम ऊपर को आते हैं। एक और है जो पकड़ लिया, उनके बहुत सीरियस हालत है, ऐसे ही उनकी मेरी चाचा की भी बहुत सीरियस हालत है, उनकी टांगों से चला। क्या चाहेंगे आप? जैसे बेटा जैसे अब चुनाव का टाइम चल रहा है, नेता आएंगे वोट मांगने, वोट डालती हो? हाँ वोट मेरी वैसे अब आएगी, अपनी पहले नहीं आती। अब आएगी जी? अब आएगी। वोट डालोगी? जी डालेंगे। तो किसी से चाहोगी कि हमारी इस लाइन को खत्म करवाएं? जी बहुत 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 कहना, बहुत धन्यवाद होगा जिसको कोई लाइन उतार देगा ये, क्योंकि हमारे घर के ऊपर आती है, बहुत डर लगा रहता है, अगर ये लाइन उतर जाता बहुत अच्छी बात है। आप भी बताएं थोड़ा सा कि ये लाइन गुजर रही है, लाइन गुजर रही है ऊपर से, बहुत खतरा रहता है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे वो भी नहीं आते ऊपर चढ़ के, क्योंकि हमारे छत पे से बिल्कुल जा रही है ये लाइन, ऊपर चढ़ते हैं गर्मी लगती है तो ऊपर आते हैं तो डर के मारे इस लाइन के मारे नीचे चले जाते हैं, इसलिए सर ये है कि हमारी ऊपर से ये लाइन हट जावे, हमारी ये दहशत डर खत्म हो जावे। चलिए दिखाते हैं यहाँ से एक बार आपको, हम फिर से दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल मकानों के ऊपर से होकर ये लाइन गुजर रही है,
ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा, अच्छा कहाँ थे वो आपके भाई उस टाइम जब करंट मारा था? इस वाली छत पे। क्या कर रहे थे वो? वो क्या कर, मैं ये वाली टंकी जो वहाँ पल्ली तरफ रख रहे थे, और टंकी रखने के बाद में वो भाई ने क्या कर, मैं थोड़ा सा उसे जरा दूरी बनाए रखे थे, दूरी से उनको अर्थ ले गए, इस लाइन ने ऐसा खींच लिया। दोनों भाइयों को ऐसा पटक के मारा, एक यहाँ गिरे थे पल्ली तरफ और एक पल्ली छत पर जाके गिरे थे। तो उन्हें खींच लिया था लाइन, लाइन ने खींच लिया था बहुत दूर से, इसी मारे हम तो छत पर चढ़ते ही नहीं थे। थोड़ा सा गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत छाया पाया कि नहीं बना लेती कोटी सी, क्या कर रहा गरीब आदमी बताओ। बात भी सही है कि लाइन ऊपर से जैसे गुजर रही है, तो प्रशासन को ही देखना होगा एक बार कि इन लाइनों को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, ताकि इन लोगों का जो खौफ है वो खौफ ख़त्म हो जाए। जो जाने जा रही है यहाँ पे, एक दो लोग ख़त्म हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप में विषय है। अब चलते हैं अस्पताल में, जो लड़का इनका घायल हुआ है, एक बच्चा तो यहीं है जिला अस्पताल में, वहाँ लेकर आपको चलते हैं। अस्पताल में हम मौजूद हैं इस वक्त, जो बिजली के पकड़ने से घायल हुए हैं उनके पास आ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे। भैया जागे हुए हैं क्या? अब कैसी तबीयत आपकी? टांग तो बेचैनी है टांग। अच्छा कैसे पकड़ा था लाइट ने, बताओ थोड़ा। मैं तो ऊपर ही था, वो भैया नीचे काम कर रहा था, अब पता नहीं कैसा आ गया खुदा जाने। वो एकदम लकड़ी की चाड़ी रखी थी, उस पर एकदम ही चढ़ गया, फ़ोन पर बात करता हुआ आया था वो नीचे से, ना किसी से बतलाया ना कि पूछा, वो एकदम डायरेक्ट चढ़ गया और उसे एकदम कंधा लग गया उसका। और मैं वहीं था, वहाँ टैंक वही कोने में खड़ा था, पानी पे ही नंगे पाँव था मैं, छत गीली थी, उसे तो फेंक दिया और साथ में हमें भी फेंक दिया, इधर मुझे इधर को फेंक दिया, उसे इधर को फेंक दिया, वो ना फेंकता था, हम दोनों ही ख़त्म थे। आप कैसी तबीयत बता रहे हैं उनकी भी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी टांगों में सत नहीं है बिल्कुल भी दोनों में। और उनकी कैसे कुछ पता है उनकी? उनकी टिकली से पता नहीं मुझे कुछ, गए हुए हैं वहाँ पे, आज गाड़ी गई है, दो गाड़ी गई है वहाँ। आप देख सकते हैं कि हालत किस तरीके से गंभीर बनी हुई है इनकी, और इनके जो साथ वाले उनकी तो बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही हालत गंभीर है। अभी 2 महीने पहले ही उस युवक की शादी हुई थी, जो गंभीर हालत में दिल्ली में इस वक्त अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ही रही होगी, जिसके कारण पहले भी मौत हो चुकी है और फिर से 2 लोग यहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।